हाँ रोलिंग सर, पारितोष का आज बहुत बड़ा दिन है, चाय से मोहब्बत का आज लॉन्चिंग है बुक का, सो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मेरा और पारितोष का हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो ऐसा भी होता है बड़े शहरों में कि मुलाकातें कम होती हैं और आप टकराते हैं इंस्टा और ट्विटर और इन सब पर, और बेबाक मुखर बंदा है, खुलकर अपनी राय रखता है, तो इसलिए और जुड़ाव महसूस होता है। और आज पता चला कि अब इनकी दूसरी किताब का विमोचन हो रहा है, तो चलो भाई ज़रूर हूँ, और हिंदी में है, हिंदी में लिखने वाले बड़े कम रह गए हैं वो भी हमारी इंडस्ट्री में, तो वेरी गुड, मेरी शुभकामनाएँ हैं और मैं पढ़ना चाहूँगा। बहुत मज़ेदार किस्सा है, मोहब्बत का ही किस्सा है। मेरी जो वाइफ है मौलिना, उससे जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो लिविंग थिएटर एकेडमी में मैं था दिल्ली में, इब्राहिम अलकाज़ी साहब के, तो हम तो एक साल से थे, ये उस दिन ज्वाइन करने आई थी, तो मुलाकात हुई, उसके बाद ब्रेक हुआ, नीचे चाय पीने गए, तो पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने कहा मैं सुशांत, उन्होंने कहा सुशांत नहीं सुशांत, तीन बार करेक्ट कराया, फिर मैंने बड़ी अदा से पूछा चाय पियोगी, हाँ ठीक है, पैसे तुम्हें अपने देने पड़ेंगे, मेरे पास 2 ही रुपए हैं। तो ये पहली हमारी डेट थी जहाँ मैंने चाय उन्हें ऑफर की और पैसे उससे लिए थे उसकी चाय के, तो चाय सी मोहब्बत अब तक चल रही है, हो गए 27 साल। कविता मैं कभी कभी तुकबंदियाँ लिख भी लेता हूँ यार थोड़ी बहुत, और कविता एक अलग ही आर्ट, गद्य और पद्य जिसे कहते हैं हिंदी में, तो एक बहुत बड़ी बात को कम शब्दों में और तीखी धार के साथ कह जाना, ये कवि के बस की ही बात है। कहीं बड़ा अच्छा लिखा था, मैं लड़के का नाम भूल गया, वो भी अच्छा लिखता है, कि जब हम कविता लिख नहीं रहे होते हैं तब कविता हमारे साथ घट रही होती है। मैं कविताएं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ जी, खासकर अपनी भाषा में मिल जाए तो क्या ही बात है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है, दुष्यंत कुमार जी की बहुत चर्चा होती है, तो उनकी रचनाएं फिर से पढ़ रहा था, तो अद्भुत है, आप के खून में जो है ना एक आग दौड़ जाती है कविताओं से, दिल में ठंडक पहुँच जाती है, तो कविता बहुत कुछ कर सकती है। थैंक यू। पारितोष के बारे में ये कहूँगा कि जीरो से हीरो का सफ़र मैंने देखा है, वो मेरा दोस्त है, उसकी शुरुआत मेरे आंखों के सामने हुई और पहली झलक में लग गया था कि ये आदमी गॉड गिफ्टेड है, इसलिए इसका नाम पारितोष है। और चाय सी मोहब्बत ये किताब जो है, पारितोष ने अपने आइडियाज़, अपनी कल्पनाएँ इसमें शेर व शायरी के ज़रिए, कविताओं के ज़रिए पेश करने की कोशिश की है। और चाय सी मोहब्बत तो अपने इंडिया में चलती है, मोदी साहब को भी चाय सी मोहब्बत है, हमारी भी शुरुआत चाय की दुकान से हुई थी, चाय के फटका बॉय था मैं, तो चाय सी मोहब्बत हम सबको है, सुबह उठते ही चाय ही चाहिए। तो मुझे लगता कि ये किताब जो है वो हम सब के लिए एक फ्रेशनेस का काम करेगी, जैसे चाय की चुस्की मारते ही आइडिया आते हैं, फ्रेशनेस आती है, आलस दूर हो जाता है, तो ये चाय से मोहब्बत पारितोष त्रिपाठी की किताब आपको बहुत सपोर्ट करेगी, फेसबुक से दूर करेगी ये पारितोष की बुक। थैंक यू, लव यू ऑल। क्लोज, फिर भी हम मास्क पहन के आए। अच्छा, ये मुझे मेरी तरफ इसलिए इशारा कर रही है कि पारितोष मेरा राखी भाई है और हम फैमिली रिलेशन है हमारा, तो आप सोच सकते हैं कि एक भाई से बहन का क्या प्यार होता है, तो वही प्यार है मेरा, बहुत प्यारा भाई है, दुलारा है,
और टैलेंट कितना है ये तो पूरी दुनिया जानती है कि मेरा भाई कितना टैलेंटेड है। तो उस प्यार में ये चाय सी मोहब्बत है और उस चाय सी मोहब्बत के लिए आज हम लोग रखे हुए हैं। पारितोष, अ बंडल ऑफ टैलेंट, एक्टर, पोएट, कॉमेडियन और दोस्त। मेरे को एक्टर है, लोडो में हमने साथ में काम किया था, लगाओ बोली में हमने साथ में काम किया था, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट में हम साथ में काम कर रहे हैं, और मन पतंग दिल डोर, उसके बाद में चाय सी मोहब्बत। चाय से मुझे वाकई में मोहब्बत है। भाई से ज़्यादा लगाव है ना, तो बहन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। चाय सी मोहब्बत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ चाय लवर, और अगर सिर्फ इस किताब और पारितोष के विषय में कहना पड़ेगा तो चाय तो हर आदमी की चॉइस है, हर इंसान अपनी अपनी चॉइस से पीता है, कोई कार्डमम वाला, तो कोई सिनेमन वाला, तो कोई दूध वाली, तो कोई ब्लैक, बट एक चीज़ जिसके बगैर चाय कंप्लीट नहीं होती वो है पानी, वाटर। सो पारितोष इज़ वाटर फॉर मी, एंड दिस चाय सी मोहब्बत इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। सर राइट, सर यहाँ पे प्लीज, सर टुवर्ड योर राइट, सर यहाँ पे, यहाँ पे सर सामने। यार मैं तो, मेरा तो छोटा भाई है, बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन मैं तो जानता नहीं चाय से, मैंने पढ़ी नहीं है चाय से मोहब्बत, पहले तो पढ़ूंगा इसको, उसके बाद के बारे में राय दूंगा, लेकिन हिंदी के लिए इतना कुछ कर रहा है ये अपने आप बहुत बड़ी बात है, तो होना चाहिए, मतलब जो भी हिंदी के लिए इतना कुछ कर रहा है, आई एम ऑलवेज फॉर हिम। चाय से मैं सुबह चाय पीता हूँ, आपके सुबह सुबह अपनी बीवी के हाथ की सुबह सुबह चाय पीता हूँ, तब मेरा दिन शुरू होता है, उसके बाद जो है दिन शुरू करता हूँ, तो चाय मोहब्बत है, लेकिन इतनी भी नहीं, मतलब तीन तीन कप चाय में मेरा काम हो जाता है दिन में। अरे ऐसा कोई किस्सा नहीं, ऐसा कोई किस्सा नहीं। क्या करता हूँ मैं, हाँ पसंद करता हूँ, मैं सुनना अधिक पसंद करता हूँ, मुझे सुनने से अधिक प्यार है, तो जो भी लिखता है, मतलब मैं आई एम ए गुड लिसनर, आई हैव ऑल द इयर्स फॉर हिम, जो भी लिखता है जो है मुझे उससे बड़ा प्यार हो जाता है, तो मैं लिखना पसंद करता हूँ, सुनना पसंद करता हूँ। अरे ब्राइट लड़का है, बहुत ब्राइट लड़का है, बहुत ब्राइट लड़का है, बहुत भगवान करे आपकी बरकत दे इसको, बहुत ब्राइट लड़का है, इसकी सेकेंड किताब है ये, पहली भी एक थी इसकी, मन पतंग, हाँ डोर, वो भी अच्छी थी, तो अभी देखो मैं इसको पढ़ूंगा, इसके बाद इसके बारे में राय दूंगा। थैंक यू। पूछेंगे, हाँ ठीक है। पहले नहीं बताओगे क्या पूछने वाले हो? अच्छा ठीक है। परितोष की हाँ, मुझे लगता है परितोष के बारे में बोलने के लिए शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ करने जाएं तो, क्योंकि उनकी एक खासियत सबसे अच्छी ये बात है कि वो जब भी लिखते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ी फोर्स्ड पोइट्री है, मतलब बहुत मेहनत से लिखी गई, ऐसा लगता है बस जो दिल में आया है वो कागज़ पर उतार दिया है, इसलिए शायद वो एकदम दिल को जाके टच करती है। तो इनकी पहली कविता संग्रह था मन पतंग दिल डोर,
वो भी उतनी सादगी से लिखी गई थी। और ये मैंने बाय द वे मंगवाई है अमेज़ॉन से, चाय सी मोहब्बत। तो नाम ही इतना इतना प्यारा है क्योंकि चाय से तो सबको मोहब्बत होती है, और चाय सी मोहब्बत आप समझ लीजिए कि हाँ, मतलब जितनी मुझे जितनी मैं चाय के बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, उतना मैं मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, और जितनी भी पोएम्स हैं छोटी छोटी, आई थिंक वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो उन्होंने जो भी महसूस किया जिस दिन उसको वहीं पर लिख डाला। बस अच्छी बात यह है कि वो इतनी खूबसूरती से लिखते हैं कि बस दिल को छू जाती है। थैंक यू। पारितोष के साथ मेरा रिश्ता जो है भाई का पहले है, उसके बाद एक दोस्त एंड एज ए टैलेंटेड पर्सन। मेरा उसके साथ रिश्ता जलन का भी है, बिकॉज कई बार वो इतना अच्छा काम कर जाता है, मार्केट में उसका इतना ज़्यादा नाम हो जाता है कि मैं अंधेरी के बैक रोड पे जाके थोड़ा सा रो लेता हूँ, लेकिन फिर एट द सेम टाइम ही कीप्स मी ऑन माई टोज, एट द सेम टाइम ही इंस्पायर्स मी अलॉट। बहुत सारे चीज़ों में जो उसकी स्पॉन्टेनिटी है उससे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट्स दैट। ये रिश्ता है चाय सी मोहब्बत का। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो चाय का शौकीन है, कॉफ़ी कभी पीता नहीं, वो कहता है कॉफ़ी फैंटेसी है, लेकिन चाय जो है वो मोहब्बत है उसी के। मुझे बस पीने मिल जाए, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाय हो, या जहाँ हम हैं वहाँ जो मिलता हो। मैं खुद भी लिखता हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं लिखता कि मैं बुक छाप लूँ, बट सुनना बहुत पसंद करता हूँ। पारितोष को बिठा के मैं बोलता हूँ कि सुना कुछ, एक वो काम करता हूँ, और एट द सेम टाइम खुद भी एक आध कुछ लिखी होती है अच्छी, तो मैं उसको बोलता हूँ कि चला दे एक बार, सुन ले, बता, फीडबैक दे कैसा है तू। मैं कह रहा हूँ सर अब आइए, मैंने सुना अली भाई असगर कैसा है तू, एकदम ठीक ठाक भाई। चाय से मोहब्बत मतलब क्या है, मुझे ये तो अंदाज़ा था कि हमारा परी जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ एक्टर है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है, वो राइटर भी है, साहित्यकार भी है, इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ, और वो आज हुआ है। मतलब कई दिनों से जब से ये चाय पे चर्चा वाली बातें हो रही है, तो अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरी नज़रों में परी के लिए इज्जत बढ़ चुकी है बहुत, मतलब वरना आज तक जैसे बॉम्बे में कहते हैं, मुंबई में कहते हैं, फाटे पे मारते थे, अब जाके इज्जत बढ़ी है भाई की। हाँ तो, नहीं नहीं वैसा नहीं है यार, जो भी अपना दोस्त है, ये तो बस एक थोड़ी सी ह्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नहीं बहुत अच्छी बात है, एंड यू नो इट हेल्प्स अ लॉट। जब हम परी के साथ काम करते हैं ना, जब शूट करते हैं, जितना भी मैंने जो उनके साथ काम किया है उसमें वो इतना एडिशनल एक एक चीज़ें आती, बिकॉज वो इतना स्मूथ है अपनी जुबान के साथ, लैंग्वेज के साथ, हिंदी भाषा के साथ वो, एंड वो आमद होता जाता है बिल्कुल ऐसे। कई बार डायरेक्टर और को-एक्टर को रुला भी देता है वो, इतना इम्प्रोवाइज कर देता है। हाँ हाँ, कॉमेडी से हम सडनली ट्रेजेडी पे चले जाते हैं फिर, बट इट्स सुपर्ब यार, आई विश परी ऑल द बेस्ट, ऐसे ही लिखते रहो, और कई कई छोटा छोटा हमारे बारे में भी लिखो। हाँ, हमारे बारे में भी लिखो। ये क्या बात होती है कि बस बाबा मैं अद्भुत लग रहा हूँ। हाँ, आजकल नया शुरू किया ना। हाँ, अद्भुत लग रहा हूँ मैं, अलग किरदार लग रहा हूँ बाबा। पर वो जो अद्भुत लग रहे हैं वो उसका इनके कारण से लग रहे हैं, क्योंकि यही है जो मोटिवेट करते जिम ले जाने वाला। दरअसल इसमें भी इसका वो है, ये जिसको ले जाता है उसके बदले में इसको एक साल फ्री मिलता है, इसलिए सबको ले जाता। चाय, अरे मैं तो नहीं 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 चाय का तो मैं बहुत पागल हूँ। मतलब अब ये पूरे लॉकडाउन में मैंने कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के चाय बनाना मैंने सीखा है, एंड जब शूट होती है तो मेरी बीवी बहुत खुश होती है, क्योंकि उस वक्त उसको चाय बनाने से एक निजात मिल जाती है कि हाँ ये आज घर पे नहीं है, पर जब घर में रहती है तो बिल्कुल वो है। बेसिकली हम होटेलियर ओनली, ईरानी होटल वाले हैं, तो वो चाय ब्रून मस्का खा पी के ही हम बड़े हुए हैं, तो चाय मेरे रग रग में है। नहीं, मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ, मैं लिखना उतना नहीं है,
पर मीटर की तमीज़ है मुझ में, जो एक मीटर और जो वो है उसकी थोड़ी बहुत तमीज़ है, पर हाँ मैं पढ़ता काफ़ी हूँ, मैं बहुत सारी किताबें ऐसे पढ़ता रहता हूँ। परी, यू कीप शाइनिंग माय फ्रेंड, माय ब्रदर, एंड बड़ा पॉजिटिव बंदा है। आज के इस दौर में, इस माहौल में अगर कोई पॉजिटिव बंदा है तो वो है परी, एंड ऑल द बेस्ट ब्रदर, डू वेल। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो मुझे नो आइडिया अबाउट इट। थैंक यू सो मच। थी जब आपने किताब लिखी थी पापा के लिए, मेरे ख्याल से पिताजी के लिए, मेरे भीतर का मैं, मेरे भीतर का मैं, हाँ, तो वो मैंने पूरा देखा था, पढ़ा था, बहुत बढ़िया। आप इधर कुछ बुक के लिए बोल दीजिए। बुक के लिए ही कहूँगा यार कि मैं सिंगल बुक यही कहूँगा यार कि बहुत अच्छा लगता है कि जब लेखक लिखाई पेज 3 तक आ जाए, वरना क्या होता है कि लोग सेलिब्रिटी कल्चर इतना है यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, जो असल चीज़ें हैं, जो जिनमें गहराई है, सतही नहीं है वो। और ये लिखाई और लेखकों का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम एक्टर हैं, हम समझते हैं इस बात को, वो हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं, असली चीज़ तो है वो लेखक हैं, लिखाई है, और वो उसका ऐसी पेज 3 में आना ज़रूरी है। ये कह रहा हूँ, अरे बहुत चाय सी मोहब्बत है, हम पहाड़ी हैं यार, हमें तो, हमारे लिए तो चाय मतलब एक ड्रग जैसा है। और पहाड़ों में क्या होता है कि चाय कुछ हो ना हो, चाय मिल जाए और चाय सी मोहब्बत जैसी किताब मिल जाए और बस काम बन जाएगा हमारे शाम का। चाय पे, चाय पे किस्सा यार यही है, एक मेरा दोस्त है अमरिंदर, अब कनाडा में है वो, तो एक दिन उसको उठाया हमने चाय बनवाने के लिए, तो थोड़ा लाटा सा है वो, मतलब मज़ेदार आदमी है, तो वो किचन में गया, आधे घंटे बाद वापस आया तो कह रहा सूखी चाय पत्ती से बनाना कि गीली, तो रात की जो गीली चाय पत्ती रह गई थी उसको पूछ रहा है वो। तो ये चाय पे एक ये मेरा किस्सा है जो है। यार मैं पारितोष भाई के साथ सुनता हूँ, और थोड़ा बहुत जो इंस्टाग्राम में मैं फॉलो करता हूँ गुलजार को, के एक गुलजार हैशटैग पेज है और एक भाई का पेज है, और पीयूष मिश्रा जी की एक किताब है, उनको भी मुझे कुछ इश्क किया कुछ काम किया वो बहुत पसंद है, और एक भाई की जो पहली वाली किताब मुझे बहुत पसंद है। उस किताब की एक बहुत ख़ास बात ये है कि आप कभी भी कहीं पर भी कोई भी पन्ना खोल दो वो आपको मज़े दिला देगी वो किताब, वो ऐसी एक ख़ास बात है उस किताब की। दिल मन पतंग दिल डोर जिसका नाम है, हाँ दिल डोर, हाँ। यार मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि ऐसी किताबें पढ़ते रहिए, लेखकों का साथ देते रहिए, लेखक आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे आर्टिस्ट। और बहुत एक मुख्य के बोलते हैं ना, आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है लेखक, मैं तो बोलूँगा। तारीफ ही करनी है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बोलो। आप सर्व विजुअल मतलब क्या होता है? क्या करते हैं, कमेंट करते हैं।
नहीं नहीं जी।